हेलो बड़ी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा जैसा कि आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है जो कि एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करें फर्स्ट ईयर का, डीसी सर्किट। डीसी सर्किट बेटा किसे कहते हैं? हम बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही कमाल की पॉइंट्स आज आपको डिफाइन करने वाले, पूरे चैप्टर का बेस इस लेक्चर में है डीसी सर्किट। तो इस लेक्चर में हम सर्किट को डिफाइन करेंगे कि सर्किट किसे कहते हैं और सर्किट की कौन से कंपोनेंट्स हैं। दूसरा हम डिफाइन करेंगे करंट क्या है और करंट स्केलर क्वांटिटीज क्यों है जब उसको डायरेक्शन है, और दूसरा स्मॉल करंट और लार्ज करंट को कैसे मेजर किया जाता है, और 1 एम्पियर करंट कितना करंट है ये भी हम इस लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि एसी करंट और डीसी में क्या फर्क है। आज हम ये डिफाइन करने वाले। तो सबसे पहले पहले हम डिफाइन करेंगे कि चार्ज कैरियर किसे कहते हैं। चार्ज कैरियर, मैंने ये कुछ बेसिक पॉइंट्स पहले लिख दिए हैं कि जैसे थोड़े से टाइम में आपको बहुत इंफॉर्मेशन ज्यादा दे दूं। चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर बेटा उसको कहते हैं जिसमें चार्ज हो, जिस पर चार्ज हो। मींस इलेक्ट्रॉन पर जैसे चार्ज है उसको आप चार्ज कैरियर बोलेंगे, प्रोटॉन पर चार्ज है उसको भी आप चार्ज कैरियर बोलेंगे, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं है तो वो चार्ज कैरियर नहीं है, अल्फा पर, बीटा पर और आइंस पर, इन सब पर चार्ज, इनको आप चार्ज कैरियर कहेंगे। बेटा ये जब भी चलते हैं तो करंट पैदा होता है। तो सबसे पहले पहले इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर इज कॉल्ड करंट। जब कोई भी चार्ज कैरियर वाली चीज चले तो करंट पैदा होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक हो गई बात। तो इलेक्ट्रिक करंट कब पैदा होता है? जब कोई चार्ज कैरियर चले। इसका फील ले कि भाई ये एक लेट सपोज वायर है बेटा, ये इसके साथ आपने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो ये देखिए इस वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये इसमें मौजूद होते हैं बेटा। जब ये चलेंगे बैटरी, आप बैटरी इनको एनर्जी देगी, इलेक्ट्रॉन ये जब चलेंगे तो क्या पैदा होगा? करंट पैदा होगा। ठीक हो गई बात। ये स्केलर क्यों है? इसको डायरेक्शन होता है मगर ये स्केलर है, बिकॉज इट ओबे स्केलर एडिशन। इसका मकसद क्या बेटा? आप सबको पता है ये एक मास है, इस पर 10 न्यूटन इधर से फोर्स लगे और 10 न्यूटन इधर से फोर्स लगे। तो मुझे ये बताएं दो वेक्टर्स अपोजिट में इसे एक करें, इस बॉडी पर फोर्स भी वेक्टर है, ये फोर्स वेक्टर है, तो रिजल्टेंट बेटा कितना आता है? जीरो आता है। बेटा एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट याद करें कि जब ये चेक किया गया, एक ये वायर ए से उठाई गई, एक ये वायर है, ये दूसरी वायर है ऐसे इधर से, ये इसमें से भी ऐसे करंट आ रहा था, इसमें से भी ऐसे करंट आ रहा था, इसमें भी 2 एम्पियर इधर से आ रहा था, इस वायर में से भी 2 एम्पियर ऐसे करंट आ रहा था। इन दोनों को मिलाया और एक जंक्शन बनाया गया, यानी कि एक पॉइंट बनाई गई जहां पर ये दोनों वायर्स मिल जाए और इधर से एक लाइन ए से खींचे और इसमें देखें करंट कैसे कितना जा रहा है। बेटा वेक्टर्स अपोजिट में क्या होते हैं? कैंसिल विथ ईच अदर हो जाते हैं, 5 न्यूटन 5 न्यूटन कैंसिल। अगर ये वेक्टर होता तो 2 एम्पियर ऐसे तो ये कैंसिल हो जाता, मगर इस वायर में बेटा देखा गया कि ये 4 एम्पियर जा रहा है। इसने ये वाली प्रॉपर्टी स्केलर की एडिशन को ओबे की, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। इसको डायरेक्शन तो होता है मगर ये ओबे जो करती है वो स्केलर्स के रूल करती है, दैट्स व्हाई इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और किसी वायर से, ये एक वायर है, ये लेट सपोज वायर है, इसमें से ये चार्जेस चल रही है, भाई चार्जेस कितनी चल रही हैं, कितने टाइम के अंदर? चार्जेस को आप टाइम से डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट का कोई बेसिक फार्मूला पूछे, करंट कैसे मालूम किया जाता है? वायर की चार्जेस, वायर से कितनी चार्जेस जा रही हैं और कितने टाइम में जा रही हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट को आई से दायर किया जाता है, चार्ज को क्यू से दायर किया जाता है, टाइम को टी से। तो करंट का बेटा बेसिक फार्मूला है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये इसका फॉर्मूला है। चार्ज का यूनिट कूलम्ब है, टाइम का यूनिट सेकेंड है, जो आप पढ़ चुके हैं।
चार्ज का कूलम्ब अपॉन सेकंड बेटा ये एम्पियर के बराबर होता है। तो एम्पियर बेटा इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट बन गया, एम्पियर इज एसआ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वन एम्पियर बहुत बड़ा करंट है, इसको छोटे यूनिट्स में मिली, छोटा एम मिली को जाहिर करता है, मिली एम्पियर में 10^-3 एम्पियर होते हैं, माइक्रो एम्पियर में 10^-6 एम्पियर होते हैं। वन एम्पियर ह्यूमन बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। याद रहे कि हमारी बॉडी माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर तक बर्दाश्त कर सकती है। वन एम्पियर लार्ज करंट है, कहीं पर एमसीक्यूज आ जाए कोई आपसे सेंस पूछे, वन एम्पियर करंट छोटू करंट है या बड़ू करंट है, तो याद रहे वन एम्पियर करंट इज लार्ज करंट, बड़ू करंट है। ठीक हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा आते हैं, आप लैब वगैरह में जो प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें आप क्या यूज करते हैं, छोटी सी बैटरी या एक छोटा सा सेल, उसमें से चार्जेस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, करंट सिमाल सा जाता है। सिमाल करंट को नापने के लिए आप गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, और जब वन एम्पियर गैल्वेनोमीटर हमेशा माइक्रो एम्पियर और मिली एम्पियर वाला करंट मेजर कर सकता है। अगर वन एम्पियर करंट किसी वायर से जा रहा है, किसी भी वायर से ऐसे, अगर इससे वायर से वन एम्पियर करंट जा रहा है और आप इसमें गैल्वेनोमीटर से चेक करना चाहेंगे तो गैल्वेनोमीटर बेटा जल जाएगा। वन एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर मेजर नहीं कर सकता। वन एम्पियर करंट को नापने के लिए क्यों, क्योंकि वन एम्पियर करंट बड़ा है तो उसको नापने के लिए हम अमीटर यूज करते हैं। तो ये बेटा, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ रही है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मैंने डिफाइन किया। अभी हम डिस्कस करेंगे कि भाई सर्किट किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहा जाता है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। बेटा जिस रास्ते से करंट चलता है उस रास्ते को या बिजली का रास्ता बोलो या इलेक्ट्रिसिटी का जो रास्ता होता है उसको बेटा हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बच्चों ये देखें, ये एक बैटरी है, नेगेटिव पॉजिटिव ये वायर आपने उसमें कनेक्ट कर दी, ये एक कैपेसिटर लगा दिया, ये इसमें एक रेजिस्टर की बेटा ये निशानी है फिजिक्स में, ये आपने लोड वगैरह या कोई बल्ब वगैरह लगा दिया बेटा आपने इसमें। तो ये ड्राइंग मेरी गंदी सी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें, कोई मसला नहीं है सर। ये एक मैंने एक देखें, ये एक बैटरी लगाई है, ये इसमें वायर, ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टर कहलाता है, ये लोड कहलाता है या बल्ब वगैरह इसमें आप करें। तो ये ऐसे इधर से ये चार्जेस चली 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 और इधर से ऐसे आ रही है। तो ये पूरा का पूरा ये रास्ता है, इस पूरे रास्ते में चार्जेस कहां से चल रही है, लेट्स सपोज इधर से ऐसे चल रही है, तो इस पूरे रास्ते को बेटा हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलो या पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलो, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जिस रास्ते से चार्जेस जाएं उस रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। बेटा इलेक्ट्रिक सर्किट के ये कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, जो चीजें इसमें यूज होंगी उनको हम कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। कैपेसिटर, बैटरी, वायर, रेजिस्टर, बल्ब, ये इसके कंपोनेंट्स कहलाए। जो चीजें सर्किट में यूज होंगी उनको आप कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट बोलेंगे। अभी इधर कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगा हुआ है तो बोर्ड सर्किट में से बाहर होता है तो आप बोर्ड को कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं बोलेंगे। एक ये बात आपको क्लियर हो गई। तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं, जिस मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस को। तो बेटा उसकी बेस पर ये इस चैप्टर का नाम है डीसी सर्किट। करंट की मेन टाइप्स दो होती है, एक होता है बेटा डीसी करंट और एक होता है बेटा एसी करंट। इन दोनों का बाकायदा आपको फील और सिंपल कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं। डीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा डायरेक्ट करंट, डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है डायरेक्ट करंट। अच्छा एसी का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट,
अल्टरनेटिंग करंट, ठीक हो गई बात जी सर। ये अल्टरनेट, इसका बच्चू दूसरा नाम भी है स्टेडी करंट। ये बहुत ही फिजिक्स वालों को प्यारा है, तो इसीलिए इसका तीसरा नाम भी आप बोल सकते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट। अच्छा सर, जैसे किसी बच्चे का नाम होता है उसके बहुत सारे, अगर वो क्यूट सा होगा तो बहुत सारे आप उसके निकनेम बनाते हैं, तो ऐसे ही भी ये फिजिक्स वालों को बहुत ही प्यारा है, तो फिजिक्स वालों ने इसके बहुत सारे नाम रख दिए हैं। ये इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से डिस्कस करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, डीसी डायरेक्ट करंट। चलें भाई इसका फील लेते हैं, डेफिनेशन लिख लूं, फिर इसको मैं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दूं। अ करंट उस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर चेंज, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहे और जिसमें नो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस, जिसमें ना मैग्नीट्यूड चेंज हो ना डायरेक्शन चेंज हो। अ करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, नो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चेंज, इसमें चेंज होते हैं इसमें नहीं होते। कैसे सर? समझाता हूं, समझाता जज्बे में नहीं है। अगर किसी ये ऐसे, अच्छा इसको इजी कर दें बेटा, इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम रहते, इसका ग्राफ छोटू सा बनाते हैं। ये टाइम है, ये करंट है बेटा, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। आपने देखा 1 सेकंड के बाद लेट सपोज करंट था वायर में 2 एम्पियर, 1 सेकंड, दूसरे सेकंड के बाद देखा तो 2 एम्पियर, 3 सेकंड के बाद गुजरने के बाद 2 एम्पियर, 4 सेकंड के बाद देखा 2 एम्पियर। इसमें मैग्नीट्यूड हर सेकंड में चेक करते जाएं वायर में, अगर वो 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर 2 एम्पियर है तो आप उसको बोलेंगे ये डीसी है। और इसमें क्या होता है, ये टाइम है, ये करंट है, कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ, कभी इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज। ये 1 सेकंड में अगर इतना था तो दूसरे सेकंड में देखिए बढ़ गया 2 एम्पियर बन गया, फिर तीसरे सेकंड में फिर 2 और 1 के बीच में आ गया, फिर 4 सेकंड में फिर रेज हो गया 3 एम्पियर बन गया, 4 में और रेज हुआ, फिर इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू 4 है। तो ऐसा करंट जिसमें मैग्नीट्यूड इंक्रीज डिक्रीज हो और डायरेक्शन भी चेंज हो, इसका कॉन्सेप्ट है। इसको यूनिडायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, इसमें चार्जेस ऐसे चलती है एक ही फ्लो में, इसमें क्या होता है चार्जेस ऐसे फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एसी में चार्जेस ऐसे फ्लो करती है, मतलब डायरेक्शन वो अपना चेंज करती रहती है, चार्जेस ऐसे गई फिर वापस आई, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें डायरेक्शन चेंज होता जाता है। इसमें चार्जेस ऐसे, मतलब वो वापस नहीं आती, यानी कि चार्जेस का फ्लो एक ही डायरेक्शन में होता है ऐसे ऐसे। ये क्या कर रहे हो सर? ठीक है, फील देना चाहता हूं आपको। डीसी में चार्जेस का फ्लो यूनी होता है और एसी में डायरेक्शन, समझ में आया? यस सर। जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहे उसको हम एसी बोलते। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी स्टोर, इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। इट कैन बी स्टोर, ये स्टोर हो सकता है, ये स्टोर हो सकता है, ये स्टोर नहीं हो सकता। कैसे? इसकी मैं बात बता रहा हूं। इसकी सोर्सेज कौन सी हैं स्टेडी करंट बेटा? इसकी जो सोर्सेज हैं
वो है बैटरी। बैटरी से जो करंट आता है वो हमेशा डीसी होता है। बैटरी आप अपने मोबाइल फोन की यूज करें, उसमें से करंट पूरी सर्किट में मोबाइल के में जाता है, ये वाला करंट बेटा हमेशा डीसी कहलाएगा। सोलर प्लेट्स, ये वाला करंट भी बेटा डीसी कहलाएगा। नेक्स्ट बच्चू, डीसी जनरेटर भी होते हैं। अच्छा, इसकी सोर्स बेटा एसी जनरेटर होते हैं। अच्छा, मैं ये बात कर रहा था, ये स्टोर नहीं होता, ये स्टोर होता है और ये स्टोर नहीं होता। बेटा असल में क्या होता है, थर्मल से जो आने वाली बिजली है आपके घरों में आती है वो एसी होता है, फिर आपके घर में आप अपनी मोबाइल फोन चार्जिंग पर रखते हैं, तो चार्जर के अंदर एक डिवाइस लगा हुआ होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करे उसको बेटा हम रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफायर, उसको हम रेक्टिफायर का नाम देते हैं। एसी डिवाइस, असल में एसी आ रहा था चार्जर में लगी हुई डिवाइस का नाम था रेक्टिफायर, उसने कन्वर्ट किया और डीसी स्टोर हो रहा है मोबाइल फोन की बैटरी, एसी स्टोर नहीं हो रहा है, ये काम की पॉइंट है। और डीसी को जो एसी में कन्वर्ट करे बेटा उसको हम इन्वर्टर कहते हैं, उस डिवाइस को इन्वर्टर कहते हैं, और या इसको आप ओसिलेटर भी बोल सकते हैं। तो ये वाला इसका बेसिक, तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद और टाइप्स हैं बेटा करंट की, टाइप्स ऑफ करंट, और ये भी हैं। एक होती है कन्वेंशनल करंट और बेटा दूसरा होता है सीसी, मतलब ये दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ईसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट, दोनों में बेटा क्या डिफरेंस है, बहुत ही सिंपल और आसान बेटा। ये देखिए, ये एक पॉजिटिव प्लेट है, फील है बस कॉन्सेप्ट जैसे आपको बात समझ, ये नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां से कहां होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बेटा चार्जेस पॉजिटिव टू नेगेटिव भी फ्लो कर सकती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव भी फ्लो कर सकती है। अगर बेटा मैं इस इलेक्ट्रॉन को इधर लिमिट करूं, छोड़ दूं, तो ये किस तरफ जाता है, फील्ड के अगेंस्ट जाता है। इलेक्ट्रॉन की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा फील्ड के अगेंस्ट होती है, ये एमसीक्यूस में आता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसी होती है, अलोंग द फील्ड या अगेंस्ट द फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज होती है तो पॉजिटिव की तरफ जाता है, अगेंस्ट द फील्ड जाता है। और अगर हम प्रोटॉन को फेंकेंगे बेटा तो वो किस तरफ जाएगा, क्योंकि इस पर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो अलोंग द फील्ड जाएगा और नेगेटिव की तरफ। बेटा जब चार्जेस लो, अच्छा पॉजिटिव को हम कहते हैं हाई पोटेंशियल और इसको हम कहते हैं लो पोटेंशियल। जब चार्जेस लो से हाई की तरफ जाएं तो बेटा हम उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट मींस, और जिसमें चार्जेस हाई टू लो जाएं उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। A current in which charges flow from positive terminal to negative terminal, ये वाली बात इसके लिए याद करें, तो उसको हम कहते हैं conventional। A current in which चार्जेस फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉन का करंट के, यानी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, याद करने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट यानी इलेक्ट्रॉन वाला करंट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो ये इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाता है। अच्छा, इसमें ये भी कह सकते हैं यानी कि हाई पोटेंशियल से जो लो पोटेंशियल की तरफ हो, और ऐसा करंट जिसमें चार्जेस लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हो, तो
तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। तो बेटा ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करें बेटा। इसमें मैंने बहुत सारे बेसिक रूट्स आपको डिस्क्राइब किए। अगली वीडियोस के लिए हमारे प्यारे से चैनल धमाका फिजिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू बेटा।